सरकार ने गवाहों और सबूतों के जरिए यह साबित कर दिया है कि मुजरिम चंद्रमोहन ने गुस्से में आकर खुद अपने पिता सूरजनाथ को कत्ल किया है। चूंकि चंद्रमोहन अभी नाबालिग है, इसलिए यह अदालत हुक्म देती है कि मुजरिम चंद्रमोहन को उस वक्त तक बॉस्टल स्कूल में रखा जाए जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। ओ भैया क्या किया? गूंगा है क्या? ओए अपना अपना काम करो। होशियार, नया मुजरिम पधार रहे हैं। नया मुजरिम देखेंगे क्या? बलात्कार का केस है क्या? अरे वो ये तो बच्चा है, लड़की जैसा लगता है, ये क्या रब करेगा? किसी का मर्डर किया होगा। अबे वो घनचक्कर, मर्डर करने वाला थोड़ा ऐसा नहीं होता। फिर क्या किया होगा रे? इसने जरूर किसी अंधे अपाच की पाकिट मारी होगी। माल माल इधर दे, इधर दे, ले 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 ले, मार मार मार। सूरी बचेंगे, आओ। लव फेलियर लगता है। अबे चोरों के राजा कौन है रूप किरणी? अबे चिकने बोल, अबे कौन है चिकनी? जनाब हीरो साहब को बहुत गुस्सा आएगा, ये मारेगा। हाँ साला अमिताभ का पॉकेट एडिशन लगता है, बहुत मारेगा। पर लेडिया जोरदार है। तेरी ये हिम्मत हमारे दादा पर हाथ उठाए, शायद तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। कहते रख के मैं नहीं जानता, इसमें मारने की क्या जरूरत थी? चलो रे इसके मुंह क्या लगना है। Yeah!
क्या क्या तमाशा हो रहा है साहब? ये छोकरा दीवार पर छोकरी का फोटो उतार रहा था, हमने मना किया, इसने मारना शुरू किया, बस उतना ही सब। कौन है वो? यहाँ बुलाने का इंतजाम करूं? मिल बांट के खाते हैं। मैं कौन? मैं कौन? दवाई ले? हाँ। वो तो तेरे थोबड़े से ही लगता है। खोल बताता हूँ। खोल। हाँ बता भाई, कौन है तू? चंबलपुर के चंचलदास लंगड़े का नाम सुना है? नहीं, कौन है वो? मेरा दादा। अच्छा। 18 साल की उम्र में उसने एक आदमी का मर्डर किया और इधर 5 साल काटे। अच्छा। हाँ। चंबलपुर के करणदास कानिये का नाम सुना है? नहीं, वो कौन है? मेरा बाप। 17 साल की उम्र में उसने एक मंत्री की जेब काटी और इधर 6 साल काटे। बाप रे। चंबलपुर के भगवानदास झाड़िए का नाम सुना है? नहीं, वो कौन है? मैं हूँ। 16 साल की उम्र में 10 साल की छोकरी का मैंने रेप किया और यहाँ 7 साल काटे। कहने का मतलब क्या है कि इस बच्चों की जेल के साथ में अपना खानदानी रिश्ता है। ए, 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 हाँ। तेरा कोई भी रिश्ता हो, बगैर परमिशन के तू अंदर नहीं जा सकता। यस सर। आने दे उसे। हाँ भाई, चलो चलो चलो। टू थ्री फोर फाइव या राइट। नहीं, हाथ क्यों उठावे? जी 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 साहब, मैं तो आपको सलाम मार रहा था। सुबह सुबह थोबड़ा कैसे दिखा? हेल्पिंग नेचर, अखबार दिखाने आया हूँ। कोई गर्म खबर है क्या? अबाउट टर्न। ओए तू भी पलट। ओए तेरा पुत्ता। बोलो बात क्या है? आज रात 12 बजे एक बस तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। भक्तों के दर्शन करने के लिए 3 चालू छोकरे चाहिए। बस लूटने के लिए? हाँ। और बस में तो ज्यादा मुसाफिर होंगे। हाँ। लड़के पहचान ले गए तो? अगर पहचाने गए तो कह देंगे जेल के अंदर रहने वाले छोकरे बाहर जाकर बस को कैसे लूट सकते हैं, और अगर पकड़े गए तो खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे कि तीनों छोकरे 1 घंटा पहले जेल से फरार हो गए थे। क्या? ओए बड़ी दूर की कोड़ी पेंकी है। बोल किसको भेजो? वो सूरी बैच, तीनों को। चल बे, ये ले कपड़े, ले ये ले कपड़े, बदल ले जल्दी। देखो, 1-2 रुपए की बात होती तो खैर हम सबर कर लेते। तुमने 10,000 उधार लिए थे, 10,000। बताओ कब वापस लौटाओगे? लाला जी, मैंने कर्जे के लिए दरखास्त दी है, अब मिलते ही आपकी रकम दे दूंगा। घिसे हुए ग्रामोफोन की रिकॉर्ड की तरह हमेशा यही जवाब देते हो। देखिए लाला जी, आपने इतने दिन सब्र किया है, 1 महीना और ठहरिए, अब बरोबर दे दूंगा। रुको, 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 बस रुको, रुको। क्यों, क्या हुआ? तो सामने रस लिया है, फौरन अस्पताल पहुंचना है। अच्छा अच्छा, अंदर आइए, जल्दी आइए। छोड़ो छोड़ो, ये क्या जानते हो? चक्कू है, चक्कू ये बे, चक्कू है। ए, ये बिल्डरों का बम है। चला ही नहीं, रोकड़ा जॉल्स अगर आप हमें दे दें तो बहुत अच्छा होएगा। आए जल्दी निकाल। जी ये रहे आपके 10,000। अभी यहाँ गद्दी पर लाना जी। बाद में मैं नहीं दे सकता, अभी ले लो जी। नहीं जी। ले लो जी। नहीं जी। अरे ले लो जी। ले लो जी, तुम्हारा खर्च कराता हूँ। शाबाश। अरे मैं तो तीर्थ यात्रा किए बगैर ही लुट गया। गोविंदा। बस बस इधर ही, अपुन अभी है। जल्दी आना डकन। हाँ। जल्दी। सूरी तुम घबराओ मत दीदी, अपन भाग कर नहीं है, माँ को देखने हैं। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने कहा जब इनका ऑपरेशन होगा तभी ये ठीक होंगी। ऑपरेशन कब करेंगे? जब हम 25,000 देंगे। ठीक है, ये पैसे रख लो, अपन बार बार नहीं आ सकता है। वो जो आदमी गाड़ी में बैठे लाए ना, वो जाड़िया। हाँ।
तुम इस सड़े हुए कद्दू जैसे शक्ल वाले आदमी को आसानी से पहचान सकती हो। अपन इसके हाथ तुम्हें रुपया दे। हाँ हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, तूने 2 साल तक मेरी पत्नी को नासिक बोस्टल स्कूल में रखा और मुझे मेरे लड़के की पढ़ाई के बहाने यहाँ रखा। कितना मजा आ रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उसका ट्रांसफर यहाँ पे करवा दिया। डैडी, मम्मी आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गः। कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। पढ़ाई कैसे चल रही है? फाइन, वेरी फाइन। हे भगवान, मेरे बेटे रवि को तू फर्स्ट डिवीजन दिला देना। बेटे रवि, आरती का समय हो गया। अरे प्रभा, तुम कब आई? जब आप रवि के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, मगर ये सुबह की पूजा 10:30 बजे क्यों? ये रवि को मैं रात भर पढ़ाता रहा तो सुबह आँख नहीं खुली। इनसे कहिए ना मम्मी कि जरा कम पढ़ाई करे, ना खुश होते हैं ना मुझे सोने देते हैं। क्या आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं? कितनी बार कहा तुमसे कि थोड़ी सी सिफारिश कर दो, मगर तुम तो। मैं सिफारिश करूं तो क्या करूं? क्या ये कहूं कि मेरे पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, इसलिए नौकरी से निकाल दिए गए? प्लीज इन्हें कोई जॉब दे दो। यही तो प्रॉब्लम है। मैं जहाँ काम मांगने जाता हूँ लोग मेरा पहला एक्सपीरियंस पूछते। ये आप डगमगा क्यों रहे हैं? रात भर जागते रहना मम्मी, और सवेरे से पूजा कर रहे थे, इसलिए वीकनेस तो होगी ही ना। हाँ, रवि ठीक बोल रहा है। अच्छा, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ।